नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दीपावली में। और आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। टॉपिक है #MeToo मोमेंट। आप जानते हैं क्या है ये MeToo मोमेंट? अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर नहीं जानते तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। हाल में ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक मामला बहुत गर्माया हुआ है, जिसमें अभिनेत्री तनुश्री ने नाना पाटेकर पर दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं, और यह मुद्दा #MeToo मोमेंट के तहत खुलकर सामने आया है। #MeToo मोमेंट का असर दुनिया के हर हिस्से में बहुत आसानी से देखा जा रहा है। अब तक कई बड़ी हस्तियों के नाम #hashtag के साथ सोशल मीडिया पर छप चुके हैं। इनमें से अब तक 8 बड़े नाम हैं, वो हैं क्वीन के डायरेक्टर विकास, तन्मय भट्ट, रजत कपूर, चेतन भक्त, सिंगर कैलाश खेर, आलोकनाथ, राजनेता MJ अकबर और नाना पाटेकर। इनमें से कई ने माफी मांगी है और कुछ ने आरोपों को गलत कर दिया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ MeToo मोमेंट क्या है। MeToo मोमेंट यह एक तरह का आंदोलन है जिसमें महिलाओं ने अपने ऊपर हुए यौन शोषण को लिखकर दुनिया के साथ शेयर कर रही हैं। यह कहा जा सकता है कि यह एक तरह की लड़ाई है जिसमें महिलाएं अपने ऊपर हुए अत्याचारों के खिलाफ एकजुट होकर दुनिया के आगे आवाज उठा रही हैं। इसे एक #hashtag की तरह लिखा जाता है और उसके बाद अपने ऊपर हुए अत्याचारों को शब्दों में बयां किया जाता है। इसका चलन 2017 से बढ़ा है और आज तक कई महिलाएं इसके जरिए आवाज उठा रही हैं। इस वाक्य की उत्पत्ति 2006 में हुई थी। यह कैसे हुआ और किस तरह यह एक आंदोलन की तरह व्यापक बन गया, इसके लिए हमें इतिहास के कुछ पन्ने पलटने होंगे। आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आप ये वीडियो आर्टिकल के फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो इस आर्टिकल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक में क्लिक करके भी इस आर्टिकल को आप रीड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं कि MeToo मूवमेंट का इतिहास क्या है। इस आंदोलन के पीछे एक कहानी या कहें एक घटना है जिसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। इसके बाद 2017 से यह व्यापक रूप से फैला है और आज हर सोशल मीडिया के जरिए दिखाई और सुनाई देता है। तराना बर्क नामक एक सामाजिक कार्यकर्ता ने इस शब्द MeToo का उपयोग 2006 में किया था। उनका मुख्य उद्देश्य यौन शोषण से ग्रसित महिलाओं को जागृत करना था और उनके साथ खड़े होकर उन्हें हिम्मत देना था। उन्होंने इस शब्द MeToo को एक डॉक्यूमेंट्री टाइटल की तरह उपयोग किया है, जिससे वो हर महिला जो इस तरह की कहानी को सभी के सामने रखने में असहज महसूस करती थी, वो इस वाक्य के जरिए अपनी बात को कह सके। हैशटैग के रूप में #MeToo की शुरुआत हॉलीवुड अभिनेत्री एलिसा मिलाने ने 15 अक्टूबर 2017 को अपने ट्वीट के जरिए की। उन्होंने अपने #MeToo के जरिए खुद की कहानी दुनिया के सामने रखी। उनके ट्वीट में उन्होंने हार्वे विंस्टीन द्वारा उनके साथ किए गए दुर्व्यवहार को लिखा और उन्होंने दुनिया भर के लोगों से यह भी अपील की कि वे अपने ऊपर हुई त्रासदी को MeToo #hashtag लगाकर दुनिया के आगे रखें। 15 अक्टूबर 2017 के इस ट्वीट को काफी सराहा गया और 24 घंटे के अंदर कई करोड़ लोगों ने इस #hashtag का इस्तेमाल किया और करोड़ों लोगों ने इस ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कईयों ने अपने अनुभव को सोशल मीडिया में शेयर करने की हिम्मत जुटाई। एलिसा मिलाने के इस कदम से महिलाओं को बहुत शक्ति मिली और आज यह एक आंदोलन की तरह उभर कर सामने आ गया है, जो महिला सशक्तिकरण को दृढ़ता से सबके सामने पेश कर रहा है। आज के समय दुनिया का हर देश इस शोषण से ग्रसित है। शिक्षित समाज की वृद्धि के साथ साथ इस तरह की वारदातें भी बढ़ती जा रही हैं और इसका कारण है इसका खुलकर विरोध ना कर पाना, जिसके कारण शोषण को भी बढ़ावा मिलता जा रहा है। एलिसा मिलाने के ट्वीट के बाद पूरी दुनिया ने इस टैग का इस्तेमाल किया। इसका असर भारत देश पर भी काफी पड़ा। हमारे देश के कई लोगों ने अपने अनुभव को सभी के सामने निडरता से सामने रखा, जिसमें कई बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस भी शामिल हैं। इस #MeToo मोमेंट के तहत अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने अभिनेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता नाना पाटेकर पर आरोप लगाए हैं। तनुश्री दत्ता ने बताया है कि 10 साल पहले 2008 में एक फिल्म शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर ने उन्हें गलत तरह से छूने की कोशिश की थी। उस वक्त फिल्म के गाने पर कोरियोग्राफी की जा रही थी, तब नाना ने सभी कोरियोग्राफर को हटाकर खुद ही डांस सीखने की कोशिश की। साथ ही तनुश्री का कहना यह था, नाना ने आपत्तिजनक सीन करने के लिए भी जबरदस्ती की थी।
तनुश्री ने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के लिए नाना पाटेकर के खिलाफ महाराष्ट्र महिला आयोग में शिकायत दर्ज की है। शिकायत के अनुसार उन्होंने 10 वर्ष पूर्व अपने साथ हुई घटना को जांच करने के लिए रिक्वेस्ट की है। उनकी FIR में और भी नाम जैसे गणेश आचार्य, सामी सिद्दीकी एवं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं के भी नाम शामिल हैं। तनुश्री के वकील ने बताया है कि महाराष्ट्र राज्य आयोग के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसे वे यौन उत्पीड़न अधिनियम धारा 9 के तहत जिला अधिकारी के अंतर्गत ले जाएंगे। तनुश्री ने बताया कि उन्होंने IPC धारा 354, 354A, धारा 34 और धारा 509 के तहत मामले को आगे बढ़ाया है। उन्होंने अपनी शिकायत में लिखा है कि शूटिंग के पहले ही वो ये निर्देश दे चुकी थी कि वो किसी भी आपत्तिजनक सीन या डांस स्टेप को परफॉर्म नहीं करेंगी, लेकिन शूटिंग के दिन नाना का बर्ताव खराब था। उन्होंने यह भी बताया कि यह सब करने के लिए गणेश आचार्य को भी धमकाया जा रहा था, और जब तनुश्री ने इस बात का विरोध किया तो उन पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा भी हमला किया गया। इस सब के बाद उन्होंने गोरेगांव पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करवानी चाहिए, पर किसी ने भी उनकी शिकायत आधिकारिक तौर पर दर्ज नहीं की। तनुश्री ने 2008 मार्च में सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन में भी शिकायत की, लेकिन उनकी कोई बात आगे नहीं बढ़ी। इस पूरी घटना का तनुश्री के जीवन पर गहरा असर पड़ा और वो ट्रोमा में चली गई, साथ ही उन्हें कई करोड़ों का नुकसान भी हुआ। इस नाना पाटेकर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सभी आरोपों का खंडन किया। उनका कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, 10 साल पहले जो उन्होंने कहा था आज भी वो उस पर कायम है, एवं बाद में वे रिपोर्टर के सवालों का जवाब बिना दिए ही वहां से निकल गए। यह भी बताया जा रहा है कि गणेश आचार्य ने भी इस घटना की पुष्टि नहीं की है। उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इस तरह इस मामले में कई लोग तनुश्री के साथ हैं तो कई लोग नाना पाटेकर के साथ। यह आरोप किस हद तक सही है इसका अभी कोई अनुमान नहीं है। इसी तरह का एक और केस विंटा नंदा और आलोक नाथ का है। विंटा नंदा ने आलोक नाथ के लिए भी मीटू हैशटैग का उपयोग किया था और अपने साथ हुए हादसे का खुलासा किया था। उन्होंने आलोक का नाम तो नहीं लिया, लेकिन संस्कारी शब्दों का प्रयोग किया। यह घटना करीब 20 साल पुरानी है। 90 के दशक में टीवी पर प्रसारित होने वाले तारा सीरियल की डायरेक्टर विंटा नंदा ने सीरियल के मुख्य किरदार आलोक नाथ के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया, और उन्होंने बताया कि सीरियल के दौरान एक डिनर पार्टी में जब वो मिले, जिसमें आलोक नाथ की पत्नी नहीं आई थी, उसमें विंटा की ड्रिंक में कुछ मिलाया गया था, जिसके बाद उन्हें थोड़ा अजीब महसूस हुआ। पार्टी देर रात 2 बजे तक चलती रही, उसके बाद विंटा अकेले घर जा रही थी। तब रास्ते में उन्हें आलोक ने कार रोककर छोड़ने को कहा। विंटा कार में बैठ गई। विंटा नशे में थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि उन्हें जबरदस्ती शराब पिलाई जा रही है और उनके मुंह में कपड़ा घुसाया जा रहा है। इसके बाद उन्हें घर छोड़ दिया गया। अगली सुबह उन्हें महसूस हुआ कि उनके साथ यौन शोषण हुआ है। इसके बाद उन्होंने यह भी बताया कि इस तारा सीरियल की मुख्य अभिनेत्री नवनीत निशान के साथ भी आलोक ने दुर्व्यवहार किया, जिसका विरोध किया गया और बाद में उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। विंटा नंदा के आरोपों के बाद तारा की मुख्य अभिनेत्री नवनीत निशान ने उनका सपोर्ट किया। विंटा ने बताया कि इस हादसे के बाद उन्होंने मानसिक संतुलन खो दिया था और कभी विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी, लेकिन 20 वर्षों के बाद इस मीटू मोमेंट के कारण उनमें हिम्मत आई और उन्होंने अपनी ये बात सबके सामने रखी। इस तरह से हैशटैग मीटू मोमेंट ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। कई लोग इसका समर्थन कर रहे हैं तो कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लोगों का मानना है इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। फेमस होने अथवा सहानुभूति पाने के लिए भी महिलाएं इसका उपयोग कर सकती हैं। सो दोस्तों, इस तरह मीटू आंदोलन पूरे देश में काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका है। आपकी हैशटैग मीटू आंदोलन को लेकर के क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।